Hey guys, welcome back to my channel. तो आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ दोपहर के लंच की रेसिपी. तो आज मैं लंच पे क्या क्या बनाऊंगी यही वीडियो पे दिखाने वाली हूँ. तो आप लोग मेरी वीडियो पे जुड़े रहना. चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट. यहाँ पे मैंने काट ली है भिंडी एंड आलू, छोटी छोटी पीसेस कर ली है. और यहाँ पे मैंने मसाला डाल दी है, ओनियन, जीरा पाउडर, टर्मरिक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक. अभी मैंने नमक नहीं डाली है लेकिन डाल दूँगी, इतनी ही मसाला मैं यूज़ करती हूँ. तो यहाँ पे हो रही है भिंडी फ्राई. और यहाँ पे मैंने काट के रखी है बैंगन और आलू. तो बैंगन और आलू भी मैं फिर फ्राई करूँगी. आज ना वेजिटेबल ही खाऊँगी. वे यहाँ पे मैं थोड़ी सी तेल को गर्म होने के बाद ओनियन और सिली को मैंने डाल दी है. उसके बाद यहाँ पे अभी डालूँगी थोड़ी सी मसाला दी है, हल्दी, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर. अभी ब्रिंजल को डाल के मैं थोड़ी सी हिला लेती हूँ. यहाँ पे मेरी हो रही है अभी ब्रिंजल फ्राई. तो आप लोग कैसे फ्राई करते हो, मतलब ज़्यादा मसाले की कोई ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और नमक भी हो जाए ना वही काफ़ी है. लेकिन मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी दी है क्योंकि मैं चिली ज़्यादा पसंद करती हूँ इसलिए. तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी दी है और लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी दी है. तो चलिए इनको भी मैं फ्राई करके अभी रख देती हूँ बॉयल होने के लिए, पकने के लिए. यहाँ पे भिंडी भी हो रही है, पक रही है. तो दोनों तरफ दोनों सब्जी बना के मैं अभी रेडी कर लूँगी. भिंडी अभी तक ठीक से हुई नहीं है. और यहाँ पे मैंने दाल चावल को भिगो के रखी है क्योंकि मैं बनाने से पहले ना थोड़ी सी पानी में इनको भिगो के रखती होगी क्योंकि जितनी भी गंदगी है ना अच्छी से साफ हो जाती है. भिगो के रहने से बहुत मतलब हेल्प हो जाती है. और अभी लगी थी मुझे भूख तो थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ. मतलब हम लोग तो बहुत बिजी रहते हैं ना, तो अभी थोड़ी सी भूख लगी है, एक कप मैं चाय पीऊँगी. यहाँ पे मैं स्वीट थे और केक थे तो थोड़ी सी मैं चाय पी लेती हूँ. और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बनाऊँगी, रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. यहाँ पे मेरी लगभग हो गई है ब्रिंजल फ्राई और जो भिंडी फ्राई है हो गई है. अभी मैं यहाँ पे चावल को, राइस को मैंने कुकर में डाल दी और यहाँ पे दाल को भी मैंने डाल दी है हल्दी और नमक डाल के बॉईल होने के लिए. तड़का लगानी बाकी है दाल को. तो यहाँ पे जो मैंने फिश दिखाई थी ना ये ब्रिंजल वाली कढ़ाई में मैं बनाऊँगी. तो यहाँ पे मैंने डाल दी है थोड़ी सी तेल. और मैं यहाँ पे फॉर्चून का जो कच्ची खानी का ऑयल है ना वो यूज़ कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैंने जो काट के रखी थी टमाटर, हरी मिर्च और प्याज को डाल दी है. तो थोड़ी सी पकने के बाद अभी यहाँ पे लहसुन, जब फिश की कोई करी बनाओ, फिश की कोई मतलब रेसिपी बनाओ तो लहसुन तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पार्ट होती है. लहसुन भी मैंने यहाँ पे डाल दी है और थोड़ी सी जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और हरी मिर्च पाउडर मैंने डाल ली है. तो अभी इसको थोड़ी सी पकने के लिए मैं वेट करती हूँ. अब यहाँ पे मैंने डाल दिया थोड़ी सी पानी. और अभी मैं जो मैंने फिश रखी थी ना मछली की सर और यहाँ पे जो रखी थी इनको मैं थोड़ी सी करी की टाइप बनाऊँगी. मतलब इसमें जो हरे पत्ते होते हैं ना, मसाला के पत्ते, नींबू के पत्ते और होते हैं ना ये देखो जो मैंने पत्ते काट के रखे थे ना, मनमुनी के पत्ते, मसाला के जो भी है हमारे गार्डन में सब कुछ मैं लाके यहाँ पे डाल दी हूँ. और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना कि क्या ही बताओ. तो इसको सूखा सूखा बनाऊँगी. ये जो पानी है ना, पानी मतलब पूरा सूख जाने तक मैं वेट करूँगी. ये नींबू की पत्ती है, नींबू की पत्ती भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ. बहुत अच्छी खुशबू निकलती है. और यहाँ पे ये देखिए करी लीफ. और करी लीफ का तो सबको मालूम ही है खाने में कितनी फ़ायदेदायक है और मतलब इतनी अच्छी खुशबू भी निकलती है. तो फिर इसके साथ खाना तो मुझे बहुत पसंद है करी लीफ. और ये देखिए यहाँ पे लगभग हो गई है लेकिन मैं पानी को पूरा सूखने तक वेट करती हूँ. और यहाँ पर हो गई है फिश करी रेडी, एकदम सूखी सूखी सी, बहुत अच्छी खुशबू निकल रही है. तो फ्रेंड्स मेरी हो गई है लंच रेडी. तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों ने आज लंच पे क्या क्या बनाई है रेसिपी. तो चलिए दिखाती हूँ
मेरी थाली तो रेडी हो गई है आज लंच की। तो यहाँ पे ब्रिंजल फ्राई और जो मैंने दाल बनाई थी ना, दाल तड़का लगा ली थी वो मैंने नहीं दिखाई। यहाँ पे भिंडी फ्राई और ये फिश करी। तो चलिए फ्रेंड, मैं अभी खा लेती हूँ लंच। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोग लंच में क्या खाते हो। हम तो असम में रहते हैं ना, हम तो यहाँ पे राइस ही खाते हैं, चावल ही खाते हैं दोपहर के टाइम यानी कि लंच में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोग लंच में क्या क्या खाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।